मेष राशि, आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने करियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का मूल्यांकन करें, एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। वृषभ राशि, आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच भी हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे, तो धन की वर्षा भी आप पर होने लगेगी। मिथुन राशि, आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। कर्क राशि, आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार ना दें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। सिंह राशि, आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। कन्या राशि, ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफ़ी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। तुला राशि, आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक करियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि, आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। धनुराशि, आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड़चन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। मकर राशि, आज आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की ज़रूरत है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रतापूर्ण भाव से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे ही इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है या इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। आज आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें, ताकि काम का कोई बोझ न रहे और आपको अपने मालिक की डांट न सुननी पड़े। कुंभ राशि, आपकी करियर से संबंधित योजना बिगड़ रही है। आप एक बात पर अपना दिमाग एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच सोच कर समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी भी अनुभवी पेशेवर या एक करियर सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। एक करियर सलाहकार के मार्गदर्शन से आपको एक मार्ग मिल सकता है। आज आप अपने करियर के बारे में एक दिशा में सोच सकते हैं। मीन राशि, आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की ज़रूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है।